कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो संजमित उनके मृत प्राय शरीर को जिंदा करने के लिए संजीवनी का प्रयोग किया एक वैद्य के द्वारा, जो दैत्यराज रावण के वैद्य थे। ये सबने पढ़ा है, माने या न माने लोग, लेकिन अगर ये कहें कि ये गलत है और गांव में जाके कहें तो जो कहेगा गलत है उसको लोग मारेंगे। लोगों का विश्वास है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक राजा के दो रानियों से आधे आधे बच्चे पैदा हुए, जंगल में फेंकवा दिया, तो एक आदिवासी महिला ने जड़ी बूटियों से उसको जोड़ दिया, राजा को दे दिया, और राजा ने उसके नाम पर, उस महिला के नाम पर अपने बेटे का नाम जरासंध रखा, और वो इतना बलशाली हुआ कि जिसकी वजह से भगवान कृष्ण को अयोध्या छोड़ के द्वारका जाना पड़ा। तो आयुर्वेद कोई आजकल की नहीं है, बहुत पुराना, हमारे तो अथर्ववेद में सारा आयुर्वेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, और योगा का तो योग शास्त्र ही पतंजलि ने लिखा, बिना पैसे की दवाई है। अगर सही योग का कोई अध्यापक है और वो सही तरीके से ट्रेनिंग देता है, शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई रोग ही नहीं होगा, किसी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा, किसी को दवा को नहीं लेना पड़ेगा। अल्जाइमर जैसे रोग हैं जिनकी कोई इलाज नहीं है एलोपैथी, उसको भी प्राणायाम और योगा के जरिए ठीक किया जा सकता, सुधारा जा सकता है, और इसका सफल प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब की जो अपेक्षा होती रही उसकी वजह से, और अपेक्षा इसलिए भी हुई क्यों, एक जो एलोपैथी वाली लॉबी है वो इतनी ताकतवर है कि एक जो कंपटीशन होता है उसके कारण उसके खिलाफ दुष्प्रचार भी बहुत हुआ। दवाइयां सब स्टैंडर्ड हैं, उसमें मेटेलिक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है, लिवर को ख़राब कर देगी, ऐसा होगी है, सब स्टैंडर्ड भी हैं, क्योंकि तमाम क्वेक्स आ जाते हैं, हर क्षेत्र में आ जाते हैं, एलोपैथी में नहीं है क्या, झोला छाप डॉक्टर घूमते रहते, इंजेक्शन लगा देते, ऑपरेशन भी कर देते, तो आयुर्वेद में भी है। अब आयुर्वेद योगा ये और योग, ये यूनानी जो है वो ग्रीक से चला, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में और मुगल काल में हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ, सब लोग दवाइयाँ लेते थे। आज भी हमदर्द इसका एक बहुत बड़ा बड़ी संस्था है जिसके जरिए दवाइयाँ हैं और लोग लेते हैं बड़े पैमाने पर। तो ये तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारा इसका इतिहास बहुत पुराना है। सागर मंथन हुआ तो जो आयुर्वेद के प्रथम गुरु हैं, भगवान एक तरीके से माना जाता है हमारे यहाँ, धन्वंतरी, वो सागर से ही पैदा हुए, अमृत कलश हाथ में लेके। तो इतने प्राचीन हमारी जो विधा है उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा आगे चल के, जब मंत्रालय की उस पर मैं बात करूँगा, टाइम ज़्यादा वैसे ही नहीं इसमें मिलेगा हमें, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक स्वास्थ्य विभाग में एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जिसका 2003 में नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कर दिया गया, और 2014 में इस डिपार्टमेंट ऑफ आयुष को मंत्रालय का दर्जा मिला। तो ये मंत्रालय नया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंत्रालय बनने के बाद कुछ इसमें प्रगति हुई। 14 में ही एक नेशनल आयुष मिशन की स्थापना की गई, जो
आयुर्वेद की शिक्षा को सुधारने, आयुर्वेदिक दवाइयों की गुणवत्ता को सुधारने और दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हर्बल जो सिस्टम है, हर्ब्स हैं, उनको उनकी अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित कराने के लिए कार्रवाई इसने की। लेकिन जितना इसके लिए पैसा चाहिए था उतना पैसा कभी मिला नहीं। और सर, जहाँ तक इस मंत्रालय के बजट का सवाल है, उस दिन मैंने इशारा भी किया था, मंत्री जी बैठे थे, वित्त मंत्री बगल में बैठी, कि इस मंत्रालय को पैसा ज़्यादा दीजिए। पिछले साल स्वास्थ्य मंत्रालय का जो बजट था वो लगभग 53,000 करोड़ रुपए का था और इस मंत्रालय का बजट उसका केवल 3% था, लगभग ये रहा होगा 1600 करोड़। स्टैंडिंग कमेटी ने बार बार रिकमेंड किया कि इसका बजट एलोकेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक बजट एलोकेशन नहीं बढ़ेगा, आप ड्रग लेबोरेटरीज, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज की स्थापना नहीं कर पाएंगे, नेशनल आयुर्वेदिक आयुष मिशन के जरिए जो हर देश के हर राज्य में प्रत्येक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, प्रत्येक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो जिला अस्पताल है उसमें होने चाहिए ये डॉक्टर्स, इसके आयुष के उनके अपॉइंटमेंट होने चाहिए, वो बिना बजट के नहीं हो सकते हैं। क्योंकि राज्य सरकारें हाथ उठा लेती हैं, यदि केंद्र का है नेशनल आयुर्वेदिक मिशन, आयुष मिशन, केंद्र सरकार जब तक इतना मदद नहीं करेगी हम ये काम नहीं कर पाएंगे। मतलब विडंबना ये है, देखिए सर, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का जो बजट है वो पूरे आयुष मंत्रालय से ज्यादा है। तो हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? हम गरीबों को इलाज नहीं करा पाते। अभी भी 50% से ज्यादा लोग आयुर्वेद, यूनानी, योगा और होम्योपैथी की शरण में जाते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास नहीं हो, न जा सकते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में। जो मेदांता में चला जाता है एक दिन, 1,00,000 रुपया शाम तक खर्च हो जाता है टेस्टिंग में केवल, तो जा पाएगा वो? इसलिए इस पद्धति को बढ़ाने के लिए अगर 1,000-2,000 करोड़ रुपया उधर से कम करके इधर कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश है, इसके लोगों को इलाज दिलाने के लिए वो हमारी अपनी पद्धति है। जो इसके बारे में दुष्प्रचार किया जाता है उसको रोकने के लिए ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो बहुत आपका मजबूत होना चाहिए, जो कंट्रोल करे, जो चेक करे। औषधियों के निर्माण के लिए जो काम किया जाता है, जहां ये बनती हैं, उनकी टेस्टिंग सही होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद उसको ठीक कर देता है, होम्योपैथी उसको ठीक कर देती है। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। 1977-78 में मुझे फिस्टुला था, बहुत सीवियर, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन टेबल से वहां के सबसे रिनाउंड सर्जन थे, उन्होंने कहा, हटा दिया मुझे, कि नहीं, मैं इसका ऑपरेशन अगर करूंगा फिर भी इसके रिकरेंस को मैं रोक नहीं सकता हूं। तब डॉक्टर राय, जो बलरामपुर अस्पताल में थे, जो बाद में आपके मेयर हुए इलाहाबाद लखनऊ के, उन्होंने हमसे कहा कि आप जाइए प्रोफेसर पीजी देश पांडे बीएचयू में आयुर्वेदिक सर्जरी के हेड हैं, उन्हें दिखाइए, ही विल क्योर इट। मैं वहाँ गया, दिखाया, मुझे 1 साल हर सप्ताह जरूर जाना पड़ा, लेकिन 78 से लेके आज तक लगभग 40 साल हो गए, 100% क्योर हो गए। और यही नहीं, मैंने जितने लोगों को भेजा वो 100% सब क्योर हुए,
एलोपैथी के डॉक्टरों ने कहा कि नहीं कर देंगे ऑपरेशन, ये फिर हो जाए, रिकरेंसेस की नहीं रोक सकते, तमाम चीजें हैं। माइग्रेन है, नहीं रोक पाते हैं, ये दबा के बल पे उसको दबा देते हैं दर्द को, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी इसको ठीक कर देती। तो इसलिए इस जरूरी है कि इसके बजट को बढ़ाएं। डॉक्टर साहब का समय खत्म हुआ है, हम एक मिनट बस बोले, आप एक मिनट में ही और बोले सर। ये क्योंकि मैं तो अभी आयुर्वेद पे ही चल रहा था, यूनानी भी इतनी महत्वपूर्ण है, सिद्धा जो है, देखिए सिद्धा जो है वो कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट सिद्धि होती है, जिसको परफेक्ट होता है, और नाथ संप्रदाय वाले इसको ज्यादा यूज करते हैं। नाथ संप्रदाय वाले हमारे नाथ संप्रदाय वाले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और इतने आप समझिए कि उनके पास ऐसी औषधि होती है काले नांग को यूं पकड़ने में उनको काटेगा नहीं, तमिलनाडु में करते हैं बड़े पैमाने, काट नहीं सकता। मैंने तो देखा है, हमारे घर के बगल में सब थाना है, उसमें काला नांग आ गया तो एक नाथ संप्रदाय का एक आदमी था, रहता था, उसको टेलीफोन करके बुलाया, सबको वहाँ टेलीफोन नंबर लिखा हुआ, मोटरसाइकिल से आता था, पेट्रोल के पैसे और 100 रुपये और लेता था, तो दे दिया दरोगा जी ने, पकड़ ले गया सांप। एक बार दोबारा वहाँ आ गया, फिर बुलाया तो SHO थे नहीं, वो उसने पकड़ लिया, उसने कहा पैसा लाओ 175 रुपये। तो आप जानते हैं जैसा पुलिस बिहेव करती है, उसको कुछ गाली के बोच ठीक है, उसने कहा चला गया, और वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गाँव में गया, और 1 घंटे बाद लौट के आया और एक बोरे में सांप पकड़ के लाया था, उसने आके मुंशी की टेबल पे बोरा डाल दिया और बाहर खड़ा हो गया आके, सारी पुलिस थाने से बाहर। तो उन्होंने कहा नहीं पैसा मत दे हमारे, अब रखो इन्हीं सांपों के बीच में रहो। तब वो SHO आ गए तो उन्हें पैसे दिए, हाथ जोड़े भाई ने सबको पकड़ के ले जा, उसमें पॉइजनस भी सांप थे और नॉन पॉइजनस भी थे, हालांकि पॉइजनस कम होते हैं, काला नाग होता है ज़्यादातर अपने पॉइजनस और क्रेट होता है, और ज़्यादातर नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन पॉइजनस थे। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हैं सब, सबके पास कुछ न कुछ है और उनका योगदान हमें लेना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। डॉक्टर साहब आप हर्बल सिस्टम, हर्बल सिस्टम पर सर खेती में किसान को घाटा हो रहा है, आप प्रमोट कीजिए, किसान हब्स को पैदा करें और आप ही लेबोरेटरीज उसको खरीदें, क्योंकि अब हिमालय के सारे इम्पोर्टेंट जो हैं हर्ब्स बेशकीमती देश से बाहर स्मगल होके जा रहे हैं, और कुछ बड़े बड़े लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए योग करते करते, तो वो सब लिए जा रहे हैं सब, आपकी जो लेबोरेटरीज हैं उनके लिए हर्ब्स नहीं मिलेंगी। डॉक्टर साहब आप खत्म करें, किसानों को उसको उपलब्ध कराइए। और सब समय से 3 मिनट अधिक हो गए हैं, ये आधा मिनट भी नहीं बोलूंगा, आप कंक्लूड तो कर लें। हाँ करें, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी आपसे कहता हूँ, इसके लिए एजुकेशनल सिस्टम ठीक कीजिए, अच्छे स्टूडेंट्स उसमें प्रवेश ले सकें, इसके लिए जैसे MBBS की परीक्षा होती है नीट, उस तरह से इसकी परीक्षा कीजिए, वरना जो रद्दी सद्दी लोग होते हैं चले जाते हैं, चलो आयुर्वेद से करें, आयुष वो कर दीजिएगा शुरू, और क्वालिटी कंट्रोल पर देखिए, और जो दुरुपयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से बदनाम होते हैं कि दवाइयां ठीक नहीं हैं, मेटल्स डाल दी, भस्म में बना दी, ये कर दी वो कर दी, इन सब पर आपका कोई सिस्टम होना चाहिए कंट्रोल करने का, और जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनको दंडित करने का प्रोविजन भी होना चाहिए। अगर ये करेंगे तो देश के लिए बहुत ही कल्याणकारी बात होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।